राम राम भाई। सारे ने मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी घिया की बेल की, तो अब ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट आ गया है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं उन बातों को मैंने सिर से उखल डाली थी। तो उसके बाद अब देखते हैं आगे कि कितनी क्या घिया लगी है। और ये हमारी दादी बैठी है, इन्होंने वो घिया की बेल बोई थी। मैं आपको दिखाता हूँ घिया की बेल कितना घिया लग गई है। एक तो ये लग रही है, ठीक है, और देखो ये घिया लग रही है यहाँ पे देखो, और उधर भी लग रही है, दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। सामने देखने की कोशिश करना, वहां पे लगी है, पत्तों में छिप रही है वो। तो दोस्तों मैंने जो बात बताई थी वो बात कोई झूठ नहीं थी। अगर आप भी अपनी घिया की बेल में सिरसू की खल डाल लेंगे जड़ में, तो इतनी घिया लगेंगी जितनी हमारे लग रही है। और इन सभी घियों को अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगा। और ये देखो दादी अभी एक घिया उठाई है, ये रही इनके हाथों में से, तोड़ी थी अभी सुबह, अभी और तोड़ेंगे। अभी हम घिया तोड़ के दिखाएंगे आपको, आप देखना। ये तड़ा है, अभी हम इसको पहना रहे हैं, उसके बाद हम घिया तोड़ेंगे, इससे बेल कटने का खतरा कम रहता है। ये घिया टूट गई है ऊपर से गिर के। अभी देखो अभी और तोड़ लिए। मिठाई बनवा के लाऊंगा मैं घिया की। ले इतनी घिया हुई है अभी, देखो ये देखो अभी घिया तोड़ लिए। अरे ये दादी है, ये अभी घिया काटी है, और नाना हुए हैं वो अभी रोटी खा रहे हैं, वो दादा है, ये जिस तड़े से तोड़ी वो दादा कहलाए हुआ है। ये हमारी भैंस है, और ये उसकी पाड़ी है।
ये हमारी बकरी है और इसके नीचे है हमारे दो बच्चे, दो एन बात देगा ना तेल ना देगा, ये दो बच्चे हैं।